बुलेटिन में सबसे पहले रुख करते हैं संसद का, जहां थोड़ी देर में शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस सत्र के पहले दो दिन संविधान दिवस को लेकर वाद विवाद होगा, लेकिन इससे पहले स्पीकर सुमित्रा महाजन कुछ कह रही हैं, सुनिए। तो विश्वास है कहीं ना कहीं उसका परिणाम होगा। और यहाँ देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने दीप जलाकर इस सत्र का आगाज किया। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम बात ये भी है कि शीतकालीन सत्र के शुरुआती दो दिन भीमराव अंबेडकर साहब को समर्पित किए गए हैं और उन पर चर्चा होगी। साथ ही उनकी 125वीं जयंती के साथ साथ सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। और ये देखिए, ये आज के दिन की जब शुरुआत हुई उसकी चार तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तमाम सांसद, स्पीकर और प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल हॉल में मौजूद, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आज के इस दिन को इस तरह से शुरू किया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों को गौर से देखा। संविधान निर्माण प्रक्रिया की तमाम यादें जिनको सहेज कर वहां रखा गया है, उन्हें प्रधानमंत्री ने देखा, वहां मौजूद रहे। साथ ही विजिटर्स डायरी में अपने शब्दों को भी उन्होंने उकेरा। जहाँ तक याद आती रहेगी।